आप सबों को प्रेम भरा ईसु सहाय। हमारे कार्यक्रम आवाज में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो कि हम ऑनलाइन के माध्यम से एक दूसरे के साथ मसीह संगति में जुड़ पाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए हम दुआ करें। प्रेमी दयालु पिता, धन्यवाद के साथ आपके निकट आते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपकी अनुग्रह हुई और आपने चाहा कि हम जीवितों के बीच में पाए जाएं। आज आप अपनी आत्मा से हमें भरिए कि इस ऑनलाइन क्लास में हमें जो भी सीखने को मिले या हमें जो भी सिखाया जाए उसे हम अपने हृदय में रखने पाएं और पाप में गिरने से बचें। यह दीन धन्यवादी प्रार्थना हम यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। प्यारों, आज का ध्यान करने का विषय वस्तु है आजादी का महत्व अथवा वैल्यू ऑफ फ्रीडम। आज के इस विशेष दिन में जो है स्वतंत्रता दिवस, आप सबों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हमें बतलाती है आजादी के बारे में। आजादी किससे? आजादी गुलामी से। हमारे देश को बहुत पहले ही आजादी मिल चुकी है, पर आज सोचने का विषय यह है कि क्या हम सच में आजाद हैं? आज हम खुलकर तो सांस ले रहे हैं, पर प्यारों, ये समझने का विषय है कि क्या आजादी वो है जो हम सोचते हैं या समझते हैं। आजादी का मतलब कुछ भी करने का लाइसेंस नहीं होता है। आज आजादी भी न्याय के अधीन में है और उसे पूरे तरीके से अनुभव करने के लिए हमें जो नियम है उसे पालन करने की आवश्यकता है। जरा सोचिए, हम सबों के लिए आजादी क्या है? क्या हम सच में आजाद हैं? क्या आज देश में हो रहे दुष्कर्म के बारे में सुनकर या बुरे हालातों को देखकर आपको क्या लगता है कि आजादी क्या है? प्यारों, ये आज सोचने का एवं चिंता करने का विषय है। आइए हम प्रभु की ओर आएं और उनके वचनों में मन लगाएं और जानें वचन आजादी या स्वतंत्रता के बारे में क्या कहती है। यह वचन हमें मिलता है गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय उसके पहले पद में। उसमें वचन यो कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। मसीह में प्यारों, वचन हमें बतलाता है कि परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्य जाति के लिए आजादी को दिया है। जैसे भौतिक संसार में रहने के लिए नियमों का पालन करना होता है, ठीक वैसे ही परमेश्वर पिता अपने बच्चों के लिए भी कुछ आज्ञाओं को दिए हैं, जिससे मानकर हमें इस संसार में एक अच्छा और मसीह संचालित जीवन व्यतीत करना है। मसीह में प्यारों, आज हम इस वचन से 3 मूल बातों को सीखेंगे। पहला, स्वतंत्रता। प्यारों, हम स्वतंत्रता का अनुभव स्वयं के द्वारा नहीं कर सकते, पर पवित्र आत्मा के कार्य के माध्यम से कर सकते हैं। जैसा कि वचन कहता है 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 उसका 17 पद में, प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो मसीह में प्यारों, आज हमें जांचना है कि क्या हम में प्रभु की आत्मा है। अगर हाँ तो स्वतंत्रता भी है। यदि ऐसा नहीं है प्यारों, तो आज हमें पिता के पास आने की आवश्यकता है। दूसरा, स्वतंत्रता में स्थिर रहो। प्यारों, फॉर एग्जाम्पल, आज हमें हर चीज की आज़ादी है। इस संसार में हमारे माता पिता ने हमें हर चीज की आज़ादी को दिए हैं। घूमने फिरने की आज़ादी, अच्छे कपड़े पहनने की आज़ादी, महंगे फोन्स पकड़ने की आज़ादी, हर बात रखने की आज़ादी, हर चीज की आज़ादी हमको मिली है। पर क्या हम उस आज़ादी का
आज सही इस्तेमाल करते हैं? हमें लगता है कि हम सब सही कर रहे हैं, पर क्या वो हमारे माता पिता की नजरों में ठीक है? और क्या वो हमारे परमेश्वर पिता की नजरों में ठीक है? आज ये जानने की आवश्यकता है। आज जो स्वतंत्रता हमें मिली है, हमें उसमें कैसे बने रहना है, कैसे स्थिर रहना है? आज माता पिता जो हम पर भरोसा रखते हैं, आज हमें उसमें खरा उतरना है। ठीक वैसे ही प्यारों, आज परमेश्वर पिता हमें स्वतंत्र करते हैं, तो हमें उस पवित्र आत्मा में भरोसा करना है और उसमें स्थिर रहना है। तीसरा, पाप के दासत्व से स्वतंत्रता। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व जो पाप के अधीन था, उसे यीशु मसीह ने अपने साथ क्रूस पर चढ़ा लिया, ताकि पाप हम पर राज्य ना करे और हम सब पाप के दासत्व से बचे रहें। वचन बतलाता है रोमी उसका अध्याय 6 उसका 7 पद में, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो गया है। आज प्यारों, संसारिक अभिलाषा और शारीरिक अभिलाषा में हम इतना खो जाते हैं कि प्रभु के उस बलिदान को भूल जाते हैं और पाप में गिर जाते हैं। इसीलिए आज हमें उस बलिदान को स्मरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह में उस स्वतंत्रता के जीवन को व्यतीत करना है। अंतिम में प्यारों, मैं एक कहानी को बताना चाहूंगी जो बड़े स्पष्ट रूप से हमें बतलाती है कि आजादी का महत्व हमारे जीवन में क्या है। हम सभी लोग सृष्टि की कहानी सुने हैं। आदि में परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की और उन्होंने 6 दिन में पूरे सृष्टि की रचना की। 6ठे दिन में परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया और उन्होंने मनुष्य जाति को देखकर कहा कि बहुत अच्छा है। और फिर मनुष्य जाति के रूप में उन्होंने आदम को बनाया और उसके सहायक के रूप में उन्होंने हवा को बनाया और परमेश्वर ने उन्हें जीवन दिया और सही गलत सोचने का आत्मा दिया और हर तरह का फ्रीडम दिया जिससे वे अपने जीवन का निर्णय ले सकें। उसी तरह परमेश्वर ने हमें भी ज्ञान और बुद्धि से रचा है। बट बीइंग अ ह्यूमन, जब हमें समझ के साथ फ्रीडम दिया गया है, तो हम उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं? जैसे आदम और हवा के जीवन में भी उनके पास आजादी थी, एक चॉइस थी सही गलत का निर्णय करने का, पर उन्होंने पाप को चुना। वैसे ही आज हमारे पास भी ऑप्शन है, चॉइस है कि हम इस स्वतंत्र जीवन में किसे चुने, पाप को या उद्धार को, जीवन को या मृत्यु को, सत्य को या झूठ को। यूहन्ना अध्याय 14 उसका पद 6 में वचन कहता है, यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जी हाँ प्यारों, आज हमने सत्य को चुना है, यीशु मसीह को चुना है, क्योंकि यूहन्ना अध्याय 8 उसका पद 32 में लिखता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हमें जरूरत है कि हम इस स्वतंत्रता को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें, एक दूसरे से प्रेम रखें, उनकी भलाई करें, परमेश्वर से संगति करें और इस स्वतंत्रता को पाप, बुराई और विनाश का जरिया ना बनाएं। जैसा कि पहला पत्रस अध्याय 2 पद 16 में वचन कहता है, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। इस वचन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आज हमें स्वतंत्रता को बुराई का आड़ नहीं बनाना है, पर परमेश्वर के दास बनकर चलना है।
हम यहाँ एक और वचन को देखेंगे जो हमें मिलता है गलाती अध्याय 5 पद 13 में। यहाँ वचन कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शरीर के कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। यहाँ वचन हमें स्पष्ट रूप से बतलाता है कि स्वतंत्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व है और हमें कैसे स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना है और एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस में पाप की गुलामी से मुक्त होकर मसीह स्वतंत्रता को अपने जीवन में अपनाएं। प्रभु इस वचन में हमें बहुत आयत से आशीष दे, आमीन। आइए दुआ करें। धन्यवाद 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 देते हैं प्रेमी दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं इस ऑनलाइन प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए और सिखाने के लिए कि हमारे जीवन में स्वतंत्रता क्या है। हमें बचाइए पिता कि हम पाप के दासत्व से बच सकें और आपके आत्मा के चलाए चल सकें। प्रभु इस महामारी के समय में हमें बचाए रखिए, इस पैंडमिक में हमें बचाए रखिए। प्रभु हमें अपने नियंत्रण में रखिए प्रभु जी, ताकि हम जीवितों में रहकर आपकी महिमा कर सके और अपने जीवन में आपका जो उद्देश्य है हमारे लिए उसको जान सके। हाँ प्रभु जी, आपके काम में आने पाए। और क्या मांगे पिता, आज इस ऑनलाइन सर्विस को आपने सफल बनाया उसके लिए धन्यवाद देते हैं और ये दीन धन्यवादी प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। आशा करते हैं आज के कार्यक्रम से आप सब आशीषित हुए होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस किए होंगे। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए विषय वस्तु के साथ, ठीक इसी समय शाम 6 बजे। तब तक के लिए घर पर रहें और सुरक्षित रहें। और एक बार हमारी ओर से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, ईशु सहाय। धन्यवाद।